आज के समय में इंसान ही इंसान के दुश्मन बन चुके हैं। हर कोई किसी न किसी लालच के चलते एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पैसे के लालच ने अच्छे खासे इंसानों को खूंखार बना दिया है। अब इंसान अपनी इंसानियत खो रहे हैं और शैतान का रूप धारण कर रहे हैं। वहीं अगर बात जानवरों की करें तो वो इंसानों से कई गुना बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि अगर किसी भूखे इंसान को 100 दिन खाना खिला देंगे तो आपका एहसान नहीं मानेगा, परंतु वहीं अगर आप किसी भूखे जानवर को 1 दिन भी खाना खिला देंगे तो आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। जानवर भले ही बेजुबान होते हैं और कुछ सोच समझ नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं और वो हमारा प्यार इंसानों से कई गुना अधिक महसूस कर सकते हैं। जानवरों में से कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है। कुत्ते इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बिल्ली को कुछ दिन दूध पिला देंगे तो डांटने पर वो आपको भी काट लेगी, परंतु वहीं अगर आप 1 दिन किसी कुत्ते को दूध पिला देंगे तो सारी जिंदगी आपका साथी बना रहेगा। और दोस्तों, ऐसे ही एक कुत्ते की कहानी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपकी आंखों में भी आंसू जरूर आ जाएंगे कि आखिर कैसे वो कुत्ता अपने मालिक के प्रति इतना वफादार था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वफादार कुत्ते की कहानी बताने जा रहा हूँ वो असल में तमिलनाडु के गाँव का है। मैं आपको बता दूं कि 8 साल का मनी नाम का एक कुत्ता अपने मालिक का इतना वफादार है कि वो रोज उसके बिजनेस में उसकी मदद करने के लिए खुद अपने कंधों पर 25 लीटर दूध लेकर पूरे गाँव में बांटता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक कुत्ता ऐसा कैसे कर सकता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कुत्ता अपने मालिक के द्वारा इतना ट्रेन किया गया है कि वो बिना किसी परेशानी के आराम से पूरे गांव में दूध बांट सकता है, और गांव के लोग इस कुत्ते से बहुत प्यार भी करते हैं। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमिलनाडु के एक गाँव में रहने वाले ठेंगवाली नाम के एक आदमी को ये कुत्ता घायल अवस्था में सड़क पर मिला था। ठेंगवाली ने इस कुत्ते को अपने घर लाकर इसकी खूब सेवा की थी, और जब ये कुत्ता ठीक हो गया तो ये अपने मालिक ठेंगवाली के पास रहने लगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ठेंगवाली के पास 5 गायें हैं और वो गांव में दूध बेचकर अपना घर चलाता है। ठेंगवाली जब भी दूध बेचने गांव में जाते थे तो मनी भी उनके साथ जाता था, और इस तरह से रोज ठेंगवाली के साथ दूध बेचते जाने से लेकर घर आने तक कुत्ते को सारी जानकारी हो गई थी, और किसके घर दूध पहुंचाना है और किस रास्ते से जाना है ये सब कुछ उसको समझ आ गया था। और इसके बाद एक दिन ठेंगवाली के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मनी को दूध देने के लिए गाँव में भेजा जाए, जिससे उनका समय भी बचेगा और वो दूसरे काम भी कर सकेंगे। और इसके बाद ठेंगवाली ने मनी के लिए लकड़ी का एक पुलओवर बनाया और उसे मनी के कंधों पर बांधकर उस पर 25 लीटर दूध रखकर उसे गांव की तरफ रवाना कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कुत्ते को घर घर जाकर दूध देने से लोग इसे बहुत मानने लगे, और ये कुत्ता अब जहां भी जाता है लोग इसे दूध और बिस्किट खाने को देते हैं, और गाँव के बच्चे भी मनी से काफी ज्यादा मिलजुल गए हैं और वो मनी के साथ खाली समय में खेलना शुरू कर देते हैं। और ठेंगवाली का कहना है कि पहले वो अपने बेटे के साथ गांव में दूध देने जाते थे, लेकिन जब से मनी आया है उनका काम काफी आसान हो गया है। तो दोस्तों, आप इस कुत्ते की वफादारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।